हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। सो दिस इज़ ओसिस सेकेंड डे ऑफ बिट्स पिलानी। तो आज मैं डायरेक्टली ऑडी आई हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे कि आज क्या इवेंट्स चल रहे हैं। ऑडी में बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट्स चलते हैं। जब मैं अपने पल्स में रहती हूँ तो मैं तो ऑडी में ही बैठे रहती हूँ, क्योंकि मुझे जितने भी सॉन्ग्स और डांस ये सब के इवेंट होते हैं मुझे बहुत पसंद है। सो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। सो अभी स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर प्रोग्राम, तो मेरे पास टाइम था और मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। तो अभी हम जा रहे हैं कैंटीन में खाने के लिए। रात में जब मैं यहाँ पे खाई थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं एंड साथ ही साथ हम थोड़ा टूर कर लेंगे कैंपस का। अभी तक मैं जितना कैंपस घूमी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है अपने आप में एक टाउन बसा हुआ है। ये अंदर ही सारी फैसिलिटीज़ हैं, अगर बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनको किसी भी चीज़ की कमी फील नहीं होगी, और साथ ही साथ उनको एक बहुत ही शांत इन्वायरमेंट यू नो ये प्लेस उनको दे रहा है। इनका अलग से एक सीपी है जहाँ पर अलग अलग टाइप के यू नो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे बच्चे जाके हैंग आउट कर सकते हैं, खा सकते हैं। अंदर ही हेल्थ फैसिलिटी है, अंदर ही ऑटो चलता है, और कैंपस लाइक बहुत बड़ा है। मुझे तो लगता है मैं पूरा कवर भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर ये खाना ऑर्डर किया था एंड इट वाज यू नो वेरी होमली एंड आई रियली लव्ड दिस प्लेस। अभी जैसे मैंने ऑटो किया है, ये 30 रुपीज़ पर पर्सन था और ये मुझे अभी ऑडी के पास लेके जाएगा वापस से। सो हम पहुँच गए हैं स्टॉल्स के पास जो कि ऑडी के ही पास है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। लेट्स गो। क्या बनाया है ये और केक, चॉकलेट केक और दिखा सकते हैं। तो ये बन गया साबूदाना खिचड़ी इज आल्सो रेडी। अभी तो आपने रखा था, हां इतनी जल्दी बन गया? या टेंपरेचर इज अराउंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज वन एडवांटेज कि बस ऐसे 5 मिनट में बन जा रहा है। हां 10 मिनट 15 मिनट केक का 15 मिनट से 20 मिनट में बन गया। वी हैव चॉकलेट, एक फुल का ऑर्डर है मेरे को। अच्छा दिस इज पैराबोलिक शेप। सो व्हाट्स हैपनिंग द सनलाइट व्हिच इज फॉलिंग हियर दैट इज बीइंग फोकस्ड हियर, सो बिकॉज़ ऑफ दैट हीट द फूड इज बीइंग कुक्ड, सो यू कैन सी इट्स वेरी हॉट। ये क्या बना रहे हो आप अभी? साबूदाना खिचड़ी। ओके, तो अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें बना दी यहाँ पर? इसमें हमने केक बनाए हैं अभी तक सारे, चॉकलेट केक, वेनिला केक, ऑरेंज केक, एंड वी आर सेलिंग दोज केक्स एंड वॉट एवर प्रॉफिट वी आर अर्निंग फ्रॉम दिस वी आर डोनेटिंग इट टू द निर्माण विच इज एनजीओ रन बाय द स्टूडेंट्स। निर्माण, या या आई नो दैट। नाइस नाइस। ओके, सो दिस इज सोशियो environmental activity. So just to promote solar energy, renewable energy, and at the same time to help others. Nirman. And also the student learn through this how to use the solar energy and what are the problems faced by a person who is standing in the sun and cooking. Yeah, that is also there. But it is a good way of cooking. No fuel is required. No emissions. Yeah, but daytime. Yeah, plus sun. You can cook only during the day. Yeah. Thank you.
चलिए चलते हैं दोबारा से कैंपस टूर करने के लिए. बहुत सारा एरिया है जो नहीं देखी हूँ मैं, एंड दिस इज़ माय फेवरेट प्लेस ऑफ दिस कैंपस लिटरली. मतलब यहाँ पर जाने के बाद बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि मैं इंडिया में तो हूँ ही नहीं. Special. I really love his songs. पानीपुरी कंपटीशन चल रहा है निर्माण का. हाँ. इसमें अंडर वन मिनट हमने पानीपुरी चूका नहीं है एंड द हाईएस्ट फॉर ओएसएस इज 25. ओके, सो अंदर फिलिंग में क्या डाल रखा है? आलू. ओके ठीक है.
amazing, amazing, beautiful artists on stage. There is Hanif Bhai and Aslam Bhai on dhol. Arshad Khan on Israj. Krishna Kishore on the percussions. Jai Rao Kavi on the drums. Nathan Thomas on bass. Bevan Fonseca on the keys. Rhythm Shah on the acoustic guitar. Today, Kush Upadhyay on the electric guitar. So these are my lovely friends. And of course, one by one, you can see these four amazing artists, singers with me. They are not backing me. They are one of the finest singers and artists we have in the country. I'll start with Arun Kamath. Arun, buddy, come here. Take on the stage. You got to do two songs for us. That's Arun Kamath, guys. कॉन्सर्ट तो चल ही रहा था बट मुझे भूख लग गई थी और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं इधर सी भी आ गई कि मैं इसके बाद वापस से जाऊँगी कुछ खा पी कर. तो मैंने यहाँ पे लेमन टी और स्प्रिंग रोल ऑर्डर किया एंड इट वाज क्रिस्पी एंड लेस ऑयली, दैट्स व्हाई आई लव्ड इट. इट्स 2 AM इन द मॉर्निंग और मैं अब कैब का वेट कर रही हूँ. बस कैब आएगी और मैं वापस से होटल जाऊँगी. कल सुबह सुबह मैं निकल रही हूँ वापस से एम्स. और ये जो है यहाँ पर रात में भी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले व्लॉग में कि यहाँ दिन भर यू नो 24 घंटे कुछ ना कुछ होते रहता, तो यहाँ पर अभी कुछ प्रोग्राम होने वाला है. बट इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं नहीं रुक सकती. ये जो आप एरिया देख रहे हो ना एम्फी थिएटर, यहाँ पर जब मैं अंदर जा रही थी देखो कितने कम लोग हैं. अभी जब मैं यहाँ से निकलूँगी ना तो पूरा ये थिएटर जो है पूरा भर गया था. लोग अपने कंबल और तकिया के साथ आए थे और गद्दे के साथ, ताकि यहाँ पर यू नो आराम से बैठकर जो भी होने वाला है उसको एंजॉय करें. दैट इज़ रियली कूल. ऐसा मैंने बस मूवीज़ में देखा है और अब मैं सामने में यहाँ पर देख रही हूँ. मेरे को भी लग रहा था मेरे को भी कोई कंबल तक ला के दे दे, मैं भी इधर ही बैठ जाऊंगी. और दूसरे ही साइड कैंपस में प्रॉम नाइट भी चल रही है. आप देख रहे हैं सब लोग कितने वेल ड्रेस्ड कपल एंट्री के लिए आए हैं. ऑल दो मैं सोची थी मैं जाऊंगी बट मैंने आपको बताया लेट हो गया. सो आई एम गोइंग बैक. द कैंपस वॉज सुपर अमेजिंग. आई लुक फॉरवर्ड टू कम हियर अगेन एंड अटेंड मोर फेस्ट हियर. सो बाय बाय बिट्स.